दोस्तों नमस्कार, टीवी वन इंडिया के खास कार्यक्रम मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, नवी मुंबई कांग्रेस के सीनियर लीडर और प्रदेश सचिव संतोष सेट्टी साहब। सेट्टी साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हम आपसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि राज्य सरकार ने जो पैनल पद्धति पर महानगर पालिकाओं के चुनाव कराने की तैयारी कर ली है, आखिर इस पैनल पद्धति का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, लोगों के हित में इसका क्या निर्णय लिया गया है। सवाल की शुरुआत यहीं से करते हैं कि आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में राज्य सरकार ने त्रिसदस्यीय मतलब तीन पैनल पद्धति जो है अपनाया है चुनाव कराने के लिए। आप एक सीनियर लीडर हैं, आप बहुत नज़दीक से कई चुनाव देख चुके हैं, खुद आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं उसमें। ये तीन पैनलों की जो पद्धति है जो सरकार ने लागू किया है, इसे आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखो, इससे पहला विलासराव देशमुख जी थे, जब उन्होंने लाया था उसको हम लोग ने कन्वेंस किया, हमने एक पुस्तक भी बनाया था उसका, कन्वेंस किया, वो समझ गया, उन्होंने कैंसिल किया। उसके बाद माननीय फडणवीस साहब ने सरकार में लाया था, उनको भी जाके हम लोग कन्वेंस करने के बाद उन्होंने भी कैंसिल किया। ये पैनल पद्धति ये लोकशाही का गला घुटने का काम है। देखो, हर आदमी इंडिपेंडेंट होता है, जिसका शादी होता है उसकी एक बीवी होती है, ऐसे एक कॉरपोरेट वार्ड से चुन के आता है, उनको बहुत सारा अधिकार होता है अकेले होने से, बहुत कुछ अपना विचार लोगों सामने मान सकता है, लोगों का जो क्वेरीज है उसको पूरा कर सकता है, व्यायामशाला वाचनालय हो, स्टेडियम हो, और कुछ करने के लिए जो इंडिपेंडेंट है, मुझे एक पार्टी से एक आदमी चुन के आता है, उनके क्षेत्र रहता है, क्षेत्र में काम करने का क्षमता रखता है। ये पैनल क्यों सरकार को बुद्धि दिया, क्या दिया, क्यों दिया पता नहीं, इसमें कोई फायदा लोगों को होने वाला नहीं है। अगर तीनों में कोई तीन चुन के आता है, अलग अलग पार्टी का चुन के आता है, हर आदमी की धोरण अलग है, पार्टी का विचार अलग है, थिंकिंग अलग है, कोई हिंदू लेके चलेगा, कोई सेकुलर लेके चलेगा, कोई अपना दादागिरी लेके चलेगा, हर आदमी की लोगों का जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व नहीं हो सकता है। लोग बोलेंगे किसके पास जाओ, शेट्टी के पास जाओ क्या, मोरे के पास जाओ क्या, शुक्ला के पास जाओ, शुक्ला के पास जाके बोलेगा तू हमको वोट नहीं किया, तुमने उनको वोट किया है, शेट्टी का शेट्टी बोलेगा यार मुझे वोट नहीं किया तुम उसको वोट किया है। ये लोगों को संभ्रम होगा, ये गलत है, कौन से भी एंगल में देखो पैनल गलत ही है, उसमें क्या नुकसान क्या है, जनता का नुकसान है, उसका प्रगति नहीं होगा उधर, एक दूसरा बात है कि ये जो सरकारी अधिकारी है, जो महापालिका अधिकारी है, उसका फायदा लेगा। तो जो आप कह रहे हैं कि भाई पैनल पद्धति ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं इससे जनता का नुकसान होगा, तो राज्य सरकार ने कुछ सोच समझकर ही तो निर्णय लिया होगा, कुछ कुछ तो बात होगी, तो फिर आपको कैसे लग रहा है गलत? लेकिन उसका क्या हित है? देखो, सरकार को जनता का देखना है, जनता का क्या हित है, जनता को क्या फायदा होगा उसमें? इसमें तो जनता का तो फायदा होने वाला तो है ही नहीं। सरकारी अधिकारी, ये जो महापालिका अधिकारी, ये तो ब्लैकमेल करेंगे। हम एक प्रपोजल लेके गया, वो बोलेगा भाजू का जो कॉरपोरेटर है और एक चुन के आया, लोगों का तीन मतदान करने का अधिकार है, वो बोलेगा नहीं नहीं इधर व्यायामशाला नहीं होना चाहिए, दूसरा बोलेगा नहीं इधर भी नहीं होना चाहिए, हमारे इधर करो। ये इधर उधर से सरकार का क्या अक्कल, इसमें कौन आईएएस ऑफिसर उसको अक्कल देता है? आईएएस ऑफिसर क्या होता है, वो चार दीवार के अंदर आता है, वो ग्रास रूट में नहीं रहता है। ग्रास रूट में कौन होता है? हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, लोक प्रतिनिधि होते हैं, उनको हमारा दुख दर्द पता नहीं है उसको। अभी आईएएस ऑफिसर उसको कन्विंस करता है, साहब इजी होगा, पैनल होगा, पैनल से देखो अगर एक काम हो गया समझो वार्ड में, उसका भूमि पूजन करना है, वो बोलेगा एक बोलेगा एक पार्टी का कांग्रेस वाले बोलेगा हमने किया है, राष्ट्रवादी बोलेगा हमने किया है, बीजेपी बोलेगा हमने किया है, किया एक तो कोई तो किया है, सुबह एक नारियल फोड़ेगा बीजेपी वाला के किसी को उसका अंटर पंटर सेंटर लीडर को लेके करेंगे, उसके बाद सेना वाले एक लीडर को लाके नारियल फोड़ेंगे, फिर नारियल फोड़ने को जगह नहीं है, फिर दूसरा है वो किसका सिर फोड़ेगा शाम को दारू पी के,
बोलेगा हमारा इसमें हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं, हमने किया है प्रपोजल। ये हम तुम का राजनीति, ये सरकार विचार करना चाहिए। सिंगल में जो व्यक्ति महत्व है, काम करने की जो क्षमता है, वो पैनल में नहीं हो सकता है। इसमें ये सत्यनाथ शिवा और कोई मतलब फायदा उसका नहीं है। संघर्ष बढ़ेगा, आपके आपका संकेत है कि संघर्ष बढ़ेगा आपस में जितने भी लोग चुने गए। आप कह रहे हैं कि इससे अधिकारी ब्लैकमेल करेंगे, तो इसमें लोक प्रतिनिधियों का किस तरह से फायदा और नुकसान आप देख रहे हैं? अधिकारी ब्लैकमेल करेंगे क्योंकि हर चीज वो महापौर हो, उपमहापौर हो, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हो, आखिर जाता है आयुक्त के पास फाइल, अप्रूवल आयुक्त देता है। फिर ये भिंडू का अधिकारी है, बोलेगा साहब ये फाइल में आप कुछ मत करो, क्योंकि उधर बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है। सेना वाले एक पकड़ के रखा है, कांग्रेस वाले एक पकड़ के रखा है, राष्ट्रवादी एक पकड़ के रखा है। काम पेंडिंग वाले जो नुकसान किसका है? जनता का है। बिल्कुल। और दूसरा करप्शन की बात कर रहा हूँ, एक्चुअली बोलना नहीं चाहिए मीडिया के सामने, लेकिन लोकमान्य तिलक ने बोला स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन अभी का देश की परिस्थिति, कॉरपोरेशन हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, ग्राम पंचायत हो, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, करप्शन हमारा जन्मसिद्ध हक है। अच्छा, ऐसा बन गया अभी। अभी विचार है कॉन्ट्रेक्टर किस किस को पैसे देवे, वो बोलेगा हम, ये बोलेगा हम, ये बोलेगा हम। उसमें क्या होगा, पैसा तो आखिरी लेने वाले लेते ही है, नहीं लेने वाले नहीं लेता है, लेकिन नुकसान जनता काम का होगा, जनता क्योंकि वो क्वालिटी काम दे नहीं सकता है। अभी क्या होगा, एक को संभालना है उसको, सिंगल में उसको मैनेज कर सकता है, तीनों को मैनेज करना, तीनों अलग अलग एंगल का, अलग अलग आइडियोलॉजी का लोग है, ये सब मेरे हिसाब से ये गलत डिसीजन है। आज रिजर्वेशन भी कल स्थानिक स्वराज संस्था में रिजर्वेशन है, तुम करो विधानसभा में रिजर्वेशन, हिम्मत है तो करो लोकसभा में। उधर में महिला को स्थान है, बिल्कुल, उधर 33% तो महिलाओं को दो नहीं, उनको खाली स्थानिक स्वराज संस्था है, वो ग्राम पंचायत हो, जिला परिषद हो, या महानगर पालिका कॉर्पोरेशन हो, नगर पालिका हो, इनको लड़ाओ। इसमें क्या होगा, जिधर वर्चस्व है, समझो अभी बीजेपी का वर्चस्व है, किधर शिवसेना का वर्चस्व है, जिधर कांग्रेस का है, किधर राष्ट्रवादी का है, उसके ही चलेगा, बाकी लोग का चलने नहीं देंगे ये लोग। आपने आपने बहुत मेरे सवाल की शुरुआत आपने कर दी। आपके कहने के हिसाब से कि अगर तीन पैनल होता है तो जाहिर सी बात है तीन लोग चुने जाएंगे, और मैंने किया या कुछ काम ऐसे भी होंगे कि जो हो ही नहीं पाएंगे आपसी अपने वर्चस्व के कारण, अपने 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 निजी स्वार्थों के कारण, ऐसे में जनता किसके पास जाएगी? अगर कहीं कोई तकलीफ है या कोई विकास का काम करवाना है तो किसके पास जाएगी तीन लोगों में से? क्या उत्तरदायित्व है आपको, आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया है? अभी कुछ लोग पार्टी का संबंधित है, पार्टी को ऐसा समझते है कि पार्टी है सब कुछ है। देखो आज कांग्रेस एक लोकशाही का एक पार्टी है, सर्व धर्म समभाव मानना एक पार्टी है। कांग्रेस में ना जात है ना धर्म है, कांग्रेस में खाली संस्कृति है, लोगों को लेके चलने वाला पार्टी है। कांग्रेस वाले बोलेगा नहीं भाई ठीक है भाई कर दिया है, लेकिन सेना वाले नहीं बोलेंगे, बोलेंगे भाई हमारा ये, बीजेपी वाले बोलेंगे हमारा वो, ये सब इसमें लोगों का नुकसान है। लोग इधर उधर घूमते रहेंगे, इससे भी काम नहीं बनेगा, इससे भी काम नहीं बनेगा, इससे भी काम नहीं बनेगा, नहीं तो एक काम है तीनों आ जाएगा उधर। अच्छा, तीनों आ जाएगा, फिर वो जो वोटर है उसको बोलेगा तो हमारे पास क्यों नहीं आया। ये सब किधर तो बंद होना चाहिए। ये IAS अधिकारी को अक्कल दे के समझाना चाहिए ये पैनल सिस्टम से। और वोट करने का देखो, लोग अभी पहले का लोग नहीं है, लोग होशियार है, समझदार है। संतोष शेट्टी बोलेगा हमको तीन वोट दो, वोटर्स बोलेगा आप आपका बात करो, दूसरे की बात मत, दूसरे का बात मत करो। हाँ, इसमें ये भी एक विसंगति है कि तीन पैनल में एक वोटर्स को तीन वोट डालने हैं, तीन वोट डालने तो क्या ये क्या इस तरह की मानसिकता है कि एक वोटर जाके तीन लोगों को वोट डाले, वो तो बोलेगा भाई जो मेरा पसंद का था मैंने डाल दिया, बाकी मेरे को क्या पड़ी है। देखो स्वतंत्र राष्ट्र में ऐसा ये पैनल को वैसे हम बोल नहीं सकते, स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है। अच्छा, देखो लोक प्रतिनिधि एक होता है, तुम करो ना आमदार में भी तीन तीन, आमदार में तीन करो, एक करो विधानसभा, अच्छा दो करो, हाँ। तुम्हारा सब कुछ तुम जैसा बोलता है ऐसा। एक मंत्री आया बोलेगा सिंगल पैनल, दूसरा मंत्री आएगा तीन का पैनल, दूसरा मंत्री आएगा चार का पैनल, इसका मतलब लोक को क्या बंदर समझता है।
लोकशाही में पब्लिक अधिकार, तुम हर कॉर्पोरेशन में टर्व मांडो, हर कॉर्पोरेशन पूछो भाई तुमको पैनल का पद्धत मंजूर है कि नहीं, नहीं हाँ। तुम कैबिनेट में बैठ के बोलेगा हमको चार का तीन का, अभी तो चार की तैयारी चल रही है, बराबर है ना। मेरा कहना क्या है, चार मत करो, आठ करो। अच्छा आठ करो। अच्छा उसको ग्राम पंचायत का सरपंच बनाओ, कैसे काय के लिए महापालिका, वो आयुक्त, 50 DMC, ये वो जो चार वोट कर सकते हो आठ भी कर सकते हैं, आठ भी करेगा, ग्राम पंचायत में करते हैं लोग। हाँ बिल्कुल, उसको ग्राम पंचायत बनाओ। मतलब हम पीछे की तरफ जा रहे हैं कि आगे की तरफ? देखो देश आगे बढ़ रहे हैं, हाँ। विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, अभी कौन सा गुरु, अभी वापस हम लोग झाड़ के नीचे पढ़ते थे, जो पुरातन लोग पढ़ाते थे हमारा गुरुवरिया, वो हिसाब से आ गए। अभी स्कूल एयर कंडीशन हो गया, सब हर चीज डेवलपमेंट में, सब कॉम्प्यूटर ऐसा है, सब मोबाइल में दुनिया आता है। आजकल हम लोग पीछे आ रहे हैं, एक आदमी तीन तीन वोट करो। एक तो देखो कितना भी हमने चार पांच इलेक्शन लड़ा है, लोग ने मुझे साथ दिया है, कितना भी बड़ा आदमी हो, वो जो बूथ पे जाता है, वोटिंग का जो बूथ होता है, वहाँ जाता है जब भी बड़े से बड़े लोग का पटता है, बिल्कुल कुदर कंफ्यूज होते हैं, क्या करूं क्या करूं, बिल्कुल। देखो माइंड है, माइंड है चंचल है, यस बिल्कुल, एक एक सेकंड में माइंड चेंज होते रहता है। उधर आदमी जो पंजा कोट करो, नहीं यार, कमल करो, नहीं यार, धनुष को करो, नहीं यार, गड़ी नहीं तो अनकी और क्या है, और क्या है, ये सब देखो, ये कोट रहेगा, आया दबाया आ गया, खत्म हो गया। इसके लिए देखो कितने भी समझाया सर, मंत्री लोग समझने चाहिए कि लोगों को परेशान क्यों करना है। तुमको अगर ये करना है, हर कॉर्पोरेशन का टर्व ले, कॉर्पोरेशन हर नगर से बोलेगा वो पैनल चाहिए। तुम कॉर्पोरेटर के लिए काम करता है क्या, तुम्हारा हित पूरा करने के लिए करता है कैबिनेट मिनिस्टर का, कॉर्पोरेटर को पूछो। ओवरऑल इस पूरे पैनल सिस्टम का फायदा नहीं बताया गया आज तक कि एक्चुअली सरकार क्या इसमें मकसद रख रही है, इसका बेनिफिट क्या होगा, ना तो जनता को समझाया जा रहा है। खाली जनता को यह बताने की जरूरत, कोशिश है एक जगह पे चार जगह ऐसा मशीन होगा, आपको ऐसा वोट डालना, लेकिन इस पूरे इलेक्ट्रोनल सिस्टम का जो फायदा है वो जनता को क्या होगा, सरकार क्या मकसद साधना चाहती है, क्या उसका इंटेंशन है? सरकार का इंटेंशन है कि आदमी झगड़ते रहे, अपने इंपॉर्टेंस बढ़े, झगड़ झगड़ के मंत्री के पास जाएगा, किसका सरकार है होम मिनिस्ट्री को फोन करेगा, जिसका सरकार है, जिसका आमदार है, वो आमदार के दर एक मीन्स उनको लोगों को सुख में चैन में नहीं रखना है। वो झगड़ते रहे हुए, चंचल होते रहे हुए। अब एक नगर सेवक का इच्छा है इधर को अच्छा हम गार्डन बनावे, एक नगर सेवक का इच्छा है कि अच्छा इधर एक स्कूल बनावे, एक नगर सेवक की इच्छा अच्छा एक स्टेडियम इधर बनावे। ऐसा हर आदमी की एक ख्वाहिश होता है, हर आदमी की एक ब्रॉड थिंकिंग होता है। ये उसको पूरा पानी पड़ने वाला, पानी गिरने वाला है, क्योंकि चारों का मत एक नहीं हो सकता है, तीनों का मत एक नहीं हो सकता है, ये के पार्टी का भी आया चुन के, एक पार्टी का भी हो सकता आया है, तो उसमें ग्रुप है, कोई जिला अध्यक्ष का ग्रुप में, कोई महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष के ग्रुप में, कोई माजी मंत्री का ग्रुप में, कोई नेता का ग्रुप में, उसमें भी चार मत कभी नहीं हो सकता है। इसके लिए ये जो डिसीजन है अगर सोचे मंत्री महोदय, ये पूरा गलत, ये गलत है, गलत है। इसके लिए सुधार होना जरूरी है। सिंगल रहेगा आदमी, अपना मन से काम कर सकता है, उसको लगेगा ये हम इधर का नगर सेवक है। अभी वो बोल नहीं सकता मैं इधर का नगर सेवक है, दूसरा बोलेगा तू भी क्या, मैं भी इधर का नगर सेवक है, दूसरा बोलेगा हम भी इधर का नगर सेवक है। उसमें और एक बड़ा मतलब ये है कि एक तरह का राजनीतिक कंफ्यूजन इसमें क्रिएट करने की कोशिश है, आपको ऐसा लगता है? जरूर लोगों को दिशा भूल करने का काम। देखो हम लोग ने कोर्ट में भी गए, कोर्ट ने बोला कि कैबिनेट का अधिकार है, अभी कैबिनेट अपना मनमानी है, जो सभी एक बार तीन करो, एक बार दो करो, एक बार एक करो, फिर चार के थे। अभी न्यू बॉम्बे एक बदनसीब शहर ऐसा समझ सकता है, दो अढ़ाई साल का ऊपर हो गए, इलेक्शन नहीं है, एक बार लॉटरी हुआ है, एक बार सिंगल के लिए सर्वे हुआ है। जो लोक प्रतिनिधि है, जो इलेक्शन लड़ना चाहता है, बेचारा तीन का काम करो क्या, एक का काम करो क्या, अभी चार का काम करो। और आपको एक बताना चाहता हूं, क्या बोल के घूमेगा, ये चार लोग हैं हम लोग, हमको वोट करो।
ये बेवकूफ का काम है, उसका फायदा पब्लिक भी लेंगे, अधिकारी तो लेने वाला ही है, पब्लिक भी लेंगे, और पब्लिक बोलेगा यार ये पागल बने किसको वोट नहीं करेंगे, वो भी मांग रहे वोट, ये भी मांग रहा है, ये भी मांग रहे, चलो वोट में जाता नहीं। और एक आपको महत्व का बोलता हूँ, ये इलेक्शन का ये जो इंटरेस्ट पुजली बोलता है उसको, खाली हमारे देश में 15-20% लोगों को है, बाद में किसी लोग को पड़ी नहीं। लोक प्रतिनिधि लोकल है, उसका जिसका वर्चस्व है, उसका पर्सनालिटी है, वर्चस्व है, वो काम करने का तरीका है, वो लोगों से कितना संपर्क में रहता है, सुख दुख में कितना भाग लेता है, सामाजिक काम हो, शैक्षणिक काम हो, धार्मिक काम हो, सार्वजनिक काम हो, सांसारिक काम हो, उसका कितना उनका पकड़ है, उसको लोग वोट करते हैं। बराबर, बिल्कुल ऐसा नहीं है एक आदमी बोलेगा हमारा पार्टी को वोट दो, ये कॉरपोरेशन में अभी पार्टी का विषय सेकेंडरी हो जाता है, सेकेंडरी हो जाता है कि लोकल में किसका वर्चस्व है, व्यक्ति का, व्यक्ति के हिसाब से। हाँ, बिल्कुल। फिर भी लोग बोलेंगे 4 क्यों देवे, 3 क्यों देव, एक उसको भी देता है ना, वो भी हमारा दोस्त है, हर टाइम से वॉकिंग में मिलता है, नमस्कार करता है, बाद में ये सब होने के बाद वॉकिंग वालों को भी दिया, सिटिंग वालों को दिया, किराना दुकान वालों को भी दिया, कल उसका काम कौन करेगा, उसका जनता का इसमें नुकसान है, डेवलपमेंट की नुकसान है, प्रगति नहीं होगा, झगड़ा बढ़ेगा, आतंक बढ़ेगा लोगों में, और ईगो बढ़ेगा, ईगो बढ़ेगा। एक आपने बहुत बढ़िया जिक्र किया कि नई मुंबई में 2-2.5 साल हो गया चुनाव नहीं हुआ है, आप अगर राज्य और देश के पूरे हालात को देखें राजनीतिक तौर पर तो कई जगह पर नगर पंचायतों के चुनाव हुए हैं, कई जगह विधानसभा के भी चुनाव हुए हैं, इस बीच में देश के कई हिस्सों में बाई इलेक्शन भी हुए हैं, यहाँ महाराष्ट्र में भी हुए हैं, लेकिन एक नई मुंबई महानगर पालिका लहदा दिख रही है जहां 2.5 साल से चुनाव की तारीख ही तय नहीं हो पा रही है, आपको इसके पीछे क्या कारण लग रहा है? तो क्या है, ये पॉलिटिकल कंपटीशन है, इलेक्शन कमीशन कम पड़ता है एक, दूसरा लोकल लीडरशिप कम पड़ता है, दूसरा सरकार का जो धोरण है वो कहां तो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। न्यू बॉम्बे एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है और एक हाईटेक सिटी में आता है, बिल्कुल। मुंबई का बाद न्यू बॉम्बे का एक अलग स्टेटस है, बिल्कुल, क्यों मुंबई का नाम उसमें जुड़ा हुआ है। अच्छा, इसके लिए हम लोग विनंती करते आया, लेकिन बोलता है कलकत्ता इलेक्शन हो सकता है, कोलकाता का इलेक्शन हुआ कोरोना के टाइम में, बिल्कुल, बाकी बहुत सारे यूपी इलेक्शन, यूपी का इलेक्शन हुआ, बहुत सारा इलेक्शन हुआ है, न्यू बॉम्बे के लिए कोरोना है, न्यू बॉम्बे के लिए कौन सा अलग कोरोना आया वो भी पता नहीं, वायरस अलग है क्या वो भी पता नहीं, लेकिन हमारा विनंती है इलेक्शन कमीशन इसमें जाति से लक्ष्य ध्यान देना चाहिए, इलेक्शन होने से लोगों का जो छोटा मोटा आड़ी अड़चन है, अभी आप देखा होगा आयुक्तों के पास लाइन लगा रहता है, बिल्कुल, सोमवार को तो विचार आयुक्त ठीक है लोगों का काम करता है, लेकिन लोक प्रतिनिधि का माध्यम से काम करना आयुक्त काम करने में फर्क बहुत है। इसके लिए जल्द जल्द इलेक्शन होगा, काम में गति मिलेगा, अच्छा काम करेगा, लोगों का जो जो मनोकामना है, लोगों का जो दिक्कत है वो पूरा कर सकता है, अच्छा कैंडिडेट चुन के आएगा, कैंडिडेट से लोगों को उधर का विकास है, फुटपाथ का हो, वाटर मीटर हो, गार्डन हो, जो भी चीज बच्चा छोटा काम कर सकता है। अभी क्या है आयुक्त को जाके मिलो काम करो, अभी ऐसा नहीं है, अभी हर आदमी जाता है एक ऐसा लेटर देता है, फोटो निकालता है, व्हाट्सएप पे डालता है, अभी सिर्फ व्हाट्सएप का राजनीति है और कुछ नहीं है, काम कोई किससे होता नहीं है, खाली आयुक्त के पास जाएगा, फोटो निकालेगा, व्हाट्सएप भेजेगा, मैं आयुक्त से ये काम करने के लिए। ब्यूरोक्रेसी के ऊपर अंकुश लगा रहे, इसीलिए लोक प्रतिनिधित्व कानून जो है लाया गया था, ताकि चुनाव हो और लोक प्रतिनिधि जो है वो जनता के बीच में रहते हैं और वो सीधे प्रशासन को बोले कि भाई ये काम आवश्यक है। आपको नहीं लगता कि एक तरह से ये डेमोक्रेसी ही खत्म हो गई है लोकल लेवल पर? पूरा देश के अंदर लोकशाही खत्म हो गया है, हमारे देश में लोकशाही चीज का नाम नहीं है, हुकुमशाही है, मनमानी है, अगर मनमानी नहीं होता दो दो अढ़े अढ़े साल इलेक्शन पीछे जाता है, बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन को कठपुतली बनाया, उनका रोजगार नहीं, ये जैसा कि ये लोग अपना वो पैनल, ये पैनल रद्द करता है, फिर चेंज करता है, फिर यादी का भी
चेंजेस होता है, तीन तीन बार यादि पोड़ दिया है महापालिका में, बराबर हाँ, अधिकारी घर घर पे जाता है, फिर चेंज फिर चेंज, अभी कब होने वाला है वो पता नहीं, वार्ड आरक्षण वार्ड आरक्षण हुआ है, कोई लेडीज हुआ है, कोई ओबीसी हुआ है, कोई ओपन हुआ है, ये भी तकलीफ है। देखो ये आरक्षण चाहिए, मेरा इकोनॉमिकल बैकवर्ड इनको आगे लाओ, इलेक्शन में आरक्षण क्यों, इलेक्शन में जिसका क्षमता है जो चुन के आ सकता है, लोगों का काम करता है, उनको चुना के दे ना पब्लिक, एससी को प्राधान्य देना चाहिए, क्योंकि हम लोग ने उसको बहुत पीछे रखे थे। मैं वही कहने जा रहा हूं, आगे आना चाहिए, ऐसे में तो ये होगा जो ज्यादा पावरफुल जो ज्यादा पैसे वाला रहेगा वो आगे खाली चुना जाएगा, और जो कमजोर लोग रहेंगे वो पीछे रहेंगे, पीछे वो आपका बात एक सही है, लेकिन लोकल में लोकल को चुना के किसको देता है, आजकल पैसे का राजनीति है, पैसे का राजनीति है, हर चीज के लिए पैसा लगता है। इलेक्शन लड़ना बोलेगा तो मेरे हिसाब से सर्वसाधारण आदमी का काम अभी नहीं है, नहीं विधानसभा लड़ सकता है, लेकिन कॉर्पोरेशन लड़ना आजकल करोड़ों में उसको लगता है पैसा, क्योंकि जनता समझता है ये बहुत पैसा कमा रहा है, जनता के एक साइकोलॉजिकल हो गया, कॉर्पोरेटर बोले तो पैसा वाला, पैसा वाला, सामाजिक सार्वजनिक शैक्षणिक धार्मिक सब में, दही हंडी में चंदा देव, गणपति में चंदा देव, होली में चंदा देव, अंबेडकर जयंती में चंदा देव, शिवाजी जयंती में चंदा देव, दूसरा कोई फंक्शन आता तो चंदा देव, हर चीज के लिए चंदा कौन किसके पास आता है जास्ती, जो लोक प्रतिनिधि है, अगर कोई हॉस्पिटल में सीरियस है बिल नहीं भर सका लोक प्रतिनिधि के पास आता है, अगर किसी को 200 किलोमीटर लंबा लेके जाना है भाई एम्बुलेंस दे दो, ये सब क्या है, सब नहीं करता है, ये जो 30% लोग उसमें ये रखता है, करना पड़ता है। आज करप्शन क्यों होता है, उनको भी खर्चा है, बिल्कुल उत्पन्न नहीं है, एक कॉर्पोरेटर को पकड़ के इतना 2500-3000-5000 पकड़ है, वो तो पेन का शाही के लिए पुरेगा नहीं, नहीं एमएलसी का अलग भत्ता, एमएलए का अलग भत्ता, उसको एक अलग घर देंगे, उसको फिर जिंदगी भर के देंगे, आज काम कौन करता है, एमएलए और कॉर्पोरेशन में जमीन आसमान का फर्क है, बिल्कुल जो कॉर्पोरेटर काम करता है वो साल भर में एमएलए काम नहीं करता, नहीं करता, एमएलए खाली शाइनिंग करता है, उधर खाली महीने में एक बार साल में तीन बार बुक 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 करता है, उधर अधिवेशन में अधिवेशन बुक बुक करता है, इसमें कोई दो राय नहीं, दो राय नहीं, कॉर्पोरेटर 24 घंटे उसको फोन चालू रखना है, फोन बंद रहेगा, पब्लिक आके पूछता है क्या है, वोटिंग का टाइम में तुमको बहुत मजा आता है, घर घर पे आता है, अभी तुम्हारा फोन बंद था, ये बहुत कॉर्पोरेटर को लोगों से डर डर के जीना पड़ता है, डर डर के जीना पड़ता है कि हमारा कल का क्या है, कल का क्या है, बहुत बढ़िया आपने बात कही कि ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी है वो लोकल लेवल पर कॉर्पोरेटर की ज्यादा है, जबकि विधानसभा और सांसदों का काम बहुत ही कम है उस लिहाज से देखें तो। आपके कहने का ये मतलब है कि ये जो तीन पैनल की जो पद्धति है, या जो चार पैनल की अभी बात चल रही है कि अभी चार पैनल भी होगा, तो क्या फिर से ये सिंगल पैनल होना चाहिए, जरूर सिंगल पैनल होना चाहिए, लोकशाही में लोक प्रतिनिधि का अधिकार के ऊपर गदा नहीं लाना चाहिए। एकनाथ शिंदे जी से हमारा विनंती है, हाथ जोड़ के विनंती है, आप समझदार है, आपको राजयोग मिला है, आप ताना जिला से आप मुख्यमंत्री बने, आप समझ लो, आप विचार करो, सिंगल सिंगल रहने से, आप अगर एक उधर का आमदार है, आपके इधर का तीन तीन आमदार रहेगा तो आपको काम करने देते नहीं थे, सिंगल सिंगल अगर कॉर्पोरेटर बनेगा वो अपना वर्चुअल से एरिया से काम करेंगे, आप समझ लो आपको क्या इंटरेस्ट है इसमें, तीन तीन करने का चार चार करने में मुझे समझ में नहीं आता है, शायद आपको भी समझ में नहीं आया होगा, लोगों को भी समझ में नहीं आता है, नहीं लोग बोलते क्या चार चार वोट क्या करने का, इसके लिए लोकशाही में हम लोग का स्वतंत्र, लोकशाही में हम लोग अलग मत करो, मतलब कॉर्पोरेटर है उसको अलग मत करो, अलग मत करो, ये अभी ऐसा हो गया कि हम लोग एक अलग लोकशाही है, पैनल में अलग लोकशाही है, लोकशाही में एक आदमी को एक वोट करने का अधिकार है, बिल्कुल एक प्रजा को एक वोट करने का अधिकार है, ये एक प्रजा चार चार वोट करेंगे, चार चार वोट, ये कौन सा लोकशाही है, कौन सा संविधान में लिखा है, कौन सा गवर्नमेंट, ये कैबिनेट में मन में आएगा कल बोलेगा चार, कल बोलेगा पांच, कल बोलेगा दो, कल बोलेगा, ये गलत है, इसको सिंगल करो, हम भी राजनीति करें, हर कॉर्पोरेटर चुन के आया उनके एक वर्चस्व रहेगा,
तभी वो काम नाम पाएगा, तभी काम कर पाएगा। काम कर, आपने आपने एकनाथ शिंदे जी का नाम ले लिया, तो मैं अभी सवाल आपका वही पूछता हूँ। महागाड़ी सरकार एकनाथ शिंदे जी के वजह से ही गिर गई, धराशायी हो गई। अब क्या मुंबई में महाविकास आघाड़ी बची है? क्योंकि सरकार तो रही नहीं, तो आप लोग कह रहे थे कि महाविकास आघाड़ी के से साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो अभी क्या स्टेटस है? क्योंकि आप प्रदेश की भी एक जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, आप सचिव हैं। वो रहेगा, महाविकास आघाड़ी रहेगी, महाविकास आघाड़ी रहेगा। आने वाले दिन में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का सरकार आएगा। अच्छा, क्योंकि जनता को पता है, जनता को स्टडी, जनता स्टडी करता है। नई मुंबई में महाविकास आघाड़ी सत्य में आएगा। अच्छा, कांग्रेस शिवसेना राष्ट्रवादी उसका आघाड़ी करने का नित विचार है, हम लोग का सब विचार रहेगा, लेकिन आखिरी हमारा जो पक्ष का श्रेष्ठी का निर्णय, श्रेष्ठी का निर्णय को हम लोग आदर करना चाहिए। लेकिन हमारा इरादा ऐसा है, हमारा इच्छा ऐसा है कि महाविकास आघाड़ी होने से कांग्रेस राष्ट्रवादी शिवसेना एक होने से नई मुंबई का फायदा होगा। जास्त से जास्त सीट तीनों का चुन के आएगा, सत्ता महाविकास आघाड़ी का आएगा। ठीक है, वो कितना होगा? 122 सीट में अभी जो बड़े नेता शिवसेना के, 122 से कुछ, चाहे वो विजय चौगले को देख लीजिए यार, विजय नाहटा को देख लीजिए, वो तो सब चले गए उस तरफ, एकनाथ शिंदे गुट में चले गए। चले, अभी वो गुट में चले गए, पक्ष में नहीं गए ना। नहीं, पक्ष में तो नहीं, गुट अलग है, पक्ष अलग है। उद्धव ठाकरे का शिवसेना, उसके साथ महाविकास आघाड़ी रहेगा। अभी भी सेना वाले, सेना को मानने वाले जनता बहुत है। लीडर मीन्स पार्टी नहीं है, जनता मीन्स पार्टी है। Yes. मतदान करने वाले जनता है, लीडर नहीं है। लीडर लोनावाला खंडाला घूमने जाते हैं इलेक्शन टाइम में, लेकिन आम जनता, गरीब जनता, गोर गरीब, वो वोटिंग करता है। उनको पता है किसको वोट करने का। इसके लिए महाविकास आघाड़ी नई मुंबई में स्थिर रहेगा। उसमें कांग्रेस से भी कुछ वर्चस्व है, राष्ट्रवादी का वर्चस्व है, शिवसेना का वर्चस्व है। एक साथ हम लोग लड़ेंगे, सत्ता महाविकास आघाड़ी का आएंगे, उसमें कांग्रेस का महापौर हो सकता है, राष्ट्रवादी का हो सकता है, शिवसेना का हो सकता है। वो आपस में हम लोग का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मामला है। हमारा इसमें कोई विरोध नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, कोई लीडर्स में आपस में मतभेद नहीं है। ठीक है, उधर विजय नाटक गया, झोंक ले गए, उनको आज 42 ईयर हो गए नई मुंबई में, 41 ईयर हो गया पार्टी में। हम एक ही कांग्रेस है, आगे भी कांग्रेस रहेगा। न्यू बॉम्बे कांग्रेस ने बनाया, न्यू बॉम्बे ना कोई शिवसेना, ना कोई दूसरा पार्टी, ना बीजेपी ने बनाया। वसंतराव नाइक सीएम थे जब भी, उसका संकल्पना था न्यू बॉम्बे बनाने का। न्यू बॉम्बे पूरा डेवलपमेंट कांग्रेस ने किया है, ये कांग्रेस का देन है। जो भी हो, जो आज प्रोग्राम्स आया वो कांग्रेस का आया। आज मेट्रो कौन लाया? विलासराव देशमुख तो जब लाया। दिल्ली में शीला दीक्षित ने लाया। बिल्कुल, ये सब डेवलपमेंट कांग्रेस ही कर सकता है, बाकी सब भाषण करने वाले। लेकिन कांग्रेस भाषण के साथ साथ रेशन भी देते हैं। सेठी साहब, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने कांग्रेस की, कांग्रेस का बड़ा गुणगान किया आपने। नहीं भाई, कांग्रेस जिस तरह से उभरनी चाहिए, आप लोग इतने सीनियर लीडर हैं, एक तरफ रमाकांत मात्रे हैं, दूसरी तरफ आप यहाँ पर बैठे हैं, तीसरी तरफ जिला जिलाध्यक्ष आपके अनिल कौशिक जी, तीनों काफी सीनियर और भी बहुत सारे आपके पार्टी में सीनियर लीडर हैं, पार्टी सबसे पुरानी है। इसके बावजूद भी जिस दमखम के साथ उभरना चाहिए, उस दमखम के साथ आखिर पार्टी क्यों नहीं उभर पा रही है? क्या वजह है? आजकल क्या है, लोग थोड़े ईडी को डरता है शायद, ऐसा लगता है। अच्छा, आजकल क्या हो गया, देश के सबसे बड़ा गुंडा बन गया ईडी। ईडी तो अगर कोई चोरी किया होगा तो ईडी जाएगी? चोरी के लिए ईडी नहीं आता है। चोरी तो बहुत बड़े बड़े लोग चोरी किए हैं। अच्छा, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनके पास ईडी नहीं जाता है। एक प्लस पॉइंट है बीजेपी के कि ईडी दिखाओ अपना बनाओ, ईडी दिखाओ अपना बनाओ। अच्छा, अब ये भी जो सरकार बना वो शायद ईडी दिखा, ईडी की वजह से बना है, ईडी का नोटिस से बना है। आगे भी ये जो सरकार जास्ती चलेगा, आज महंगाई बढ़ते जा रहे हैं, देश के अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं है। आप बताओगा, इतना बड़ा पंतप्रधान, 15 अगस्त का भाषण, हम लोग टीवी लगा के काम धंधा बाजू में रखे देखते थे, आज पंतप्रधान कुछ ना कुछ आश्वासन देंगे। वो बोलते हैं परिवारवाद, परिवारवाद, ये उनके लिए शोभा नहीं देता है। परिवारवाद किस में नहीं है? पंतप्रधान वो तुम
बीबी को रास्ते में छोड़ दिया, तुम्हारा परिवार नहीं है, उसके लिए हमारा दोष नहीं ना नहीं। अगर उसके भी बच्चा होता वो भी आज तैयार होते थे। आज अमित शाह का बच्चा बीसीसीआई का प्रेसिडेंट है, कितना बड़ा है। राजनाथ सिंह का बच्चा मंत्री, सब लोग। क्या क्या आखिर में क्या संदेश आप देना चाहेंगे कांग्रेस के जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, कि आने वाले चुनाव में किस तरह से काम करें? नवी मुंबई महानगर पालिका का जो आज नहीं कल चुनाव तो होना ही होना है, तो ऐसे में एक तो चुनाव देर से हो रहा है तो ज़्यादा काम करने का मौका मिल रहा है ऐसा आपको लगता है, और क्या संदेश रहेगा आपका? देखो, कांग्रेस का वोटर ग्रास रूट वर्कर है, कांग्रेस को मानने वाले जो वो अभी नया नया जनरेशन थोड़ा इधर उधर अचल पिचल हो रहा है, क्योंकि ये व्हाट्सएप, ये जो ट्विटर व्टर में लोगों का दिमाग खराब करते हैं लोग। लेकिन लोग अगर समझ लिया कांग्रेस जैसा पार्टी नहीं है, कांग्रेस ऐसा नहीं है कोई ये जात वो जात, ठीक है, बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले कांग्रेस का बदनाम करता होगा, क्योंकि उसका देश के लिए कोई योगदान नहीं है, ना आज़ादी के लिए योगदान है, ना डेवलपमेंट के लिए उसका योगदान है, कोई योगदान नहीं है। योगदान होगा कांग्रेस के था, इसके लिए जनता को पता है कांग्रेस एक ऐसा पार्टी है लोगों को न्याय दे सकता है। इसके लिए हर आदमी, हर कार्यकर्ता के रास्ते में आके उतर के काम किया। अभी भी कांग्रेस मेजर लोग कांग्रेस का है, लेकिन एक विनंती है जनता से, मतदार से, आप लोग वोटिंग के लिए आना चाहिए। वोटिंग के लिए 30-40% के ऊपर वोटिंग के लिए नहीं आते। अगर मोदी से विनंती है, भले कुछ भी हो, आप वोटिंग को कंपलसरी करो, ये लोकशाही का एक भाग है। देश बनेगा वोटर से बनेगा, बिल्कुल। संस्कृति बनेगा, अगर अच्छा चुन के आएगा आदमी, देश की संस्कृति बचेगा। इसके लिए वोटिंग को कंपलसरी करो, क्योंकि जनता को काम करके लेना है। वो जो वोटिंग नहीं करता है वो क्रिटिसाइज करता है देश का। बिल्कुल, जो 30% लोग, 40-45% लोग वोटिंग करता है, 60% लोग वोटिंग नहीं करता है, वो देश का क्रिटिसाइज करता है। उसको कोई क्रिटिसाइज करने का अधिकार नहीं है। अगर वोटिंग नहीं है, वोटिंग नहीं किया, उसका रेलवे फैसिलिटी मिलना नहीं चाहिए, उसको फ्लाइट का टिकट डबल होना चाहिए। जैसा टोल में कि वो चिप नहीं है, टोल में डबल लेता, डबल पैसा लेता है, ऐसा करो। जो वोटिंग नहीं करेगा, हाँ ठीक है, कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम है, कोई हॉस्पिटल पे, उसके लिए एक बैलेट बॉक्स रखोगे, वो लोग लिख के लाएंगे ये सीरियस है, नहीं आ सकता है, उसका एक एम्प्टी लिख के उसका डाल दो, जेने करके मालूम पड़ेगा कि इतना लोग ने वोटिंग नहीं की। वोटिंग कंपलसरी करो, देश की सब बीमारी खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएंगी। सिटी साहब, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार आपका, आपने समय दिया, और बहुत ही गंभीर विषय पर जो इस वक्त पैनल पद्धति को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन जनता में, और तमाम जो लोग प्रतिनिधि वो भी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली ये पैनल पद्धति लाई क्यों गई, आपने उसका बहुत विस्तृत विवेचन किया, आपने बहुत अच्छा समझाने की कोशिश की। आप जैसा कि सुन रहे थे कि संतोष शेट्टी साहब ने कहा कि ये पैनल पद्धति कहीं ना कहीं जनता के हित में नहीं लग रही, जनता के लिए कोई फायदा इसका नहीं है, और जो ये पुरानी पद्धति थी उसकी बजाय हमें नए सिस्टम की तरफ जाना चाहिए, और अगर ये एकल पैनल के हिसाब से चुनाव होता है तो जाहिर सी बात है जो जीता हुआ लोक प्रतिनिधि होगा उसका वर्चस्व ज्यादा होगा, और वो ज्यादा बेहतर तरीके से उस क्षेत्र का विकास कर सकेगा, और जनता के लिए भी वो अकेला ही उत्तरदायी होगा, कई लोगों के पास उसे जाने की जनता को जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो आपने सुझाव दिया है कि वोटिंग कंपलसरी हो, पैनल पद्धति में बदलाव हो, और लोकशाही जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसे जिंदा रखने के लिए जल्द ही जल्द महानगर पालिका का चुनाव हो, हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित तौर पर इसे गंभीरता के साथ विचार किया जाएगा। आज की बातचीत में बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए खबरों का नया अड्डा, टीवी वन इंडिया। नमस्कार। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।